दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या अरविंद केजरीवाल को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन के बाद पेश होने से इनकार किया तो अब गिरफ्तारी का संकट आ गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मोदी सरकार की साजिश दिखाई दे रही है। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो पहले सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बात कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। हालांकि गिरफ्तारी की आशंका के बीच ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भी भेज सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तेवर देखकर लगता नहीं कि वो ईडी के सामने पेश होंगे। आप अरविंद केजरीवाल और ईडी के टकराव को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।